गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी विल स्टडी सम मोर मॉडल लग्जरीज। कुछ और मॉडल लग्जरीज की यूज़ किस तरह से की जाती है उनका हम आज स्टडी करेंगे, उन्हें देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने और कई मॉडल लग्जरीज की स्टडी की है, अब ये कुछ और हैं। देखिए मस्ट जो है जस्ट लाइक शुड एंड यू ऑट टू की तरह यूज है, यानी हिंदी में अर्थ निकालने में इसका भी चाहिए का ही अर्थ देता है। जैसे शुड चाहिए के लिए, ऑट टू चाहिए के लिए, और उसी तरह से मस्ट भी चाहिए के लिए यूज होता है। लेकिन इन तीनों के ही यूज़ में जब आप एग्जांपल देखेंगे या आप इनको यूज़ करेंगे तो कुछ डिफरेंस है इनमें। है तो तीनों ही चाहिए लेकिन तीनों का ही अर्थ बिल्कुल अलग निकलता है। फॉर द एग्जांपल शुड जो है चाहिए के लिए तो यूज़ करते हैं लेकिन वो एक जनरल एडवाइस के लिए है, वो आपको मानना ना मानना आपके अपने उसमें है, आपकी इच्छाएँ मानिए नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और ऑट टू जो है वो भी चाहिए के लिए होता है, लेकिन ऑट टू जो है एक ऑब्लिगेशन, एक मॉरल ड्यूटी के लिए कि आपको ऐसा करना चाहिए, अच्छा है यदि आप ऐसा करते हैं, ठीक है। और मस्ट टू यानी निश्चित रूप से आपको ऐसा करना ही चाहिए, तो वहाँ पर हम मस्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्लिगेशन के लिए यू मस्ट ओबे द लॉ, आपके नियम को पालन करना चाहिए। एंड कंक्लूजन दैट समथिंग इज हाईली पॉसिबल, या कुछ ऐसा निष्कर्ष निकालना कि निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है। दे लेफ्ट सो अर्ली, उन ये इतनी जल्दी मतलब वो लोगों ने सुबह घर छोड़ा या गए। दे मस्ट बी होम टू नाउ, अब तक तो उन्हें घर पहुंच जाना चाहिए, यानी निश्चित रूप से ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्दी घर छोड़ दिया है तो वो निश्चित रूप से घर पहुंच गए होंगे, ठीक है। तो उस तरह से हम मस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका मस्ट नॉट या मस्ट नॉट, यानी कि ये इसका जो है शॉर्ट फॉर्म में है, इनका यूज सेम एक ही तरह से है, निगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। और इट इज यूज्ड फॉर विच इज नॉट अलाउड, वो ऐसी चीज के लिए जो अलाउड नहीं है, ठीक है। वो जो है जैसे यू आर नॉट अलाउड टू डू इट, यानी आप इस चीज के लिए आपको परमिशन नहीं दी जाती है कि आप ऐसा करें। फॉर द एग्जाम्पल यू मस्ट नॉट स्मोक इन हियर, आपको यहाँ पे धूम्रपान नहीं करना चाहिए। जो चीज आपके लिए मना की जाए वो वहां पर हम मस्ट नॉट का यूज करेंगे, यानी एक तरह से ये समझिए कि ये आप अफर्मेटिव में यूज करोगे और ये जो है आप निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। वहां पर हम मस्ट, जहां आपको निश्चित रूप से वो करना चाहिए, आपके लिए ये है जरूरी है कि आपको ये करना ही है, वहां पर हम यूज करेंगे। और मस्ट नॉट ऐसा नहीं है, उस जगह पे हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है हैव टू, हैव टू जो है स्ट्रांग ऑब्लिगेशन के लिए, या आप इस तरह से इसको समझिए हैव टू कि आपको ऐसा करना ही है, कंपेल हो आप ऐसा करने के लिए, यू आर कंपेल टू डू दिस, आप इस चीज़ को करने के लिए बाध्य हो, आपको ये करना है, तो हम उस कंडीशन में हैव टू का यूज़ करते हैं। नर्सेस हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म, नर्स लोगों को यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो पड़ता है। सो हैव टू जो यूज किया जाता है वो प्रेजेंट टेंस में, और हैज टू भी यूज करते हैं, ये इसका अर्थ भी वही निकलेगा, वो भी सेम उसी तरह से यूज होगा, लेकिन अब डिफरेंस क्या है, हैव टू आप प्लूरल सब्जेक्ट्स में यूज करोगे और हैज टू जो है आप सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज करोगे। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी, आपको पता ही है कि मॉडल लग्जरी का आप स्टडी कर रहे हो, ये हैज है नहीं है जिनमें आप थर्ड फॉर्म लगा देते हो, वो तो आपकी प्राइमरी लग्जरी में आती है, ये हैज टू या हैव टू यूज है। और इसी का यदि आप पास्ट में बनाते हो तो आप हैड टू का यूज करिए, जैसे बच्चे को सुबह उठना पड़ा, ठीक है, तो
चाइल्ड हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना पड़ा. हैड टू यूज किया, पास्ट में है, लेकिन अब सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि उसमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज करोगे, क्योंकि आप जो है मॉडल ऑक्सिलरी की स्टडी कर रहे हो. तो ये जो है हैड टू हैज टू प्रेजेंट टेंस में कंपेल करने के लिए किसी को बाध्यता या जरूरी है वहाँ पर हम यूज करते हैं हैड टू पास्ट टेंस में. और अगर फ्यूचर टेंस में आप यूज करना चाहते हो उसको तो विल हैव टू और शैल हैव टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट है आपका नीड. नीड मीन्स वैसे आवश्यकता होता है, हम उस तरह से यूज करते हैं. तो आप देखिए नीड का यूज कहाँ कहाँ पे करोगे. ऑप्शंस ऑफ ऑब्लिगेशन, ये जहां पर ऑब्लिगेशन जरूरत ना होने पर, यानी उस जगह पे यूज करते हैं. बी यूज इन बोथ काइंड ऑफ सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट्स. चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, आप इनको जब यूज करोगे तो प्लूरल फॉर्म में ही यूज होगा नीड. नीड का यूज जो है प्लूरल फॉर्म में ही यूज होगा जब ये निगेटिव फॉर्म में, जैसे देखिए नीड नॉट यूज किया गया है मान लीजिए, तो नीड्स नहीं करोगे आप, नीड नॉट ही यूज करोगे, तो उस कंडीशन में देखिए प्लूरल फॉर्म में अपने आ रहा है. अब आप इसमें देख रहे हो कि आपका ये सिंगुलर में है और ही भी सिंगुलर में है और यू प्लूरल. वैसे आई सिंगुलर होता है लेकिन कभी कभी इसको अधिकतर प्लूरल की घटे जैसे मान रखते हैं प्रेजेंट में, तो उसी तरह से आई नीड. तो आई नीड नॉट ड्रिंक टी. नेक्स्ट है ही नीडेड नॉट वर्क हार्ड. ही नीड्स नहीं लिखा है, ही नीड नॉट वर्क हार्ड. जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप बनाते हो तो डज नॉट लगाते हो या कम्स या गोज इस तरह से, लेकिन जब नीड में यूज करते हैं ये कोई इसका ऑब्लिगेशन का ऑब्सेंस हो, अभाव ना, मतलब जब बाध्यता ना हो उस कंडीशन में, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप जो है ये यूज करोगे नीड तो ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज होगी. सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल से इसका नहीं मतलब, और ये निगेटिव में बनेगा आपका जब ये निगेटिव फॉर्म में होगा. नेक्स्ट है सम टाइम वी यूज इट इन नेसेसिटी, कभी कभी जरूरत के उसमें भी यूज किया जाता है इसको. देन वी यूज इट एज ए पार्टनरी वर्ब, तो फिर एक साधारण वर्ब के रूप में यूज किया जाता है जब इसे हम जरूरत के लिए यूज करते हैं. आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी मदद की, तो ये जनरल ये मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू यू नीड अ बुक, क्या तुम्हें किताब की जरूरत है. एंड शी डज नॉट नीड अ पेंसिल, उसको एक पेंसिल की जरूरत नहीं है. तो ये जनरल देखिए डज नॉट लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और ये नीड जो है ये साधारण वर्ब के रूप में यूज किया गया, मेन वर्ब के रूप में यूज कर दिया गया. तो आप ये इस चीज से नीड पे क्लियर रहिए कि नीड जो है जब ऑब्लिगेशन का ऑब्सेंस हो, उसमें कोई बाध्यता ना हो, कंपेल ना किया जाए, तो ये जो है नीड नॉट के रूप में आएगा किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल फॉर्म में हो, आपको नीड नॉट ही यूज करना है, उसमें एस नहीं लगाना है. लेकिन जब इसको हम यूज करें नेसेसिटी के रूप में, जरूरत की ऐसी जरूरत है, तो उस कंडीशन में हम फिर इसे एक साधारण वर्ब के रूप में, जो ऑर्डनरी वर्ब, उस कंडीशन में यूज हम करते हैं. ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी हैं. कुछ और मॉडल ऑक्सिलरी होंगी तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन प्लीज़ आप इसे अच्छे से स्टडी करिए, समझिए, क्योंकि हम आपको एक एक चीज डिटेल में ही बता रहे हैं. एंड लाइक इट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.